नमस्कार मित्रों, आप देख रहे हैं उदयपुर के सुंदर दृश्य, लेक पिचोला का किनारा, खूबसूरत दृश्य। और हमारे साथ आज वार्ड नंबर 10 के क्षेत्रीय पार्षद साहब गिरीश भारती जी आज हमें उदयपुर के इस सुंदरता का शेयर करा रहे हैं। और जैसा कि आप देख सकते हैं कि उदयपुर विश्व का सबसे खूबसूरत शहर है, पूरे विश्व से लोग यहाँ पर घूमने के लिए आते हैं। और देखिए यहाँ की नज़ाकत, यहाँ की खूबसूरती हमने कभी नहीं देखा। पिछले तीन दशकों से मुझे भी समझ है, जब तक कलर इतना सुंदर कलर नहीं देखा, इतना रंगाई पुताई का काम चल रहा है, आखिर क्यों चल रहा है और क्या होने वाला है उसके बारे में हमारे साथ में क्षेत्रीय पार्षद साहब गिरीश भारती जी हमारे साथ में हैं। हाँ जी, स्वागत है आपका, बताइए थोड़ा हमारे। नमस्कार गोविंद जी, मैं सबसे पहले तो आपको बधाई दूंगा कि आपने हम सब लोगों को आपस में मिलने के लिए आपने अपने कैमरे के माध्यम से हमें जोड़ने का प्रयास किया। रही बात खूबसूरती तो ईश्वर की देन होती है। जो प्रकृति के सुकम में जो ये अरावली पर्वतमाला है, इसमें बसा हुआ उदयपुर है। उदयपुर झीलों की नगरी के नाम से मशहूर है। यहाँ का एनवायरनमेंट, यहाँ की प्रकृति, यहाँ का हेरिटेज सब अपने आप में एक अभूतपूर्व चीज़ है। मैं आपको कहना चाहता हूँ कि जिन्होंने उदयपुर में जन्म लिया वो अपने आप में सौभाग्यशाली है। और सबसे बड़ी बात जो आप खूबसूरती की कर रहे हैं, ये खूबसूरती हमारे पुरखों की दी हुई है। हालत ये हम इस खूबसूरती को भी नहीं संभाल पा रहे हैं। जो ये घाट देख रहे हो, यदि आप वास्तव में इस घाट को गंगोर घाट की तरफ जाके देखोगे तो आपको वास्तव में हरिद्वार के घाट और जो बनारस के घाट है उसमें दिखेंगे आपको। तो ये वो शहर, ये उस परिकल्पना और उसकी कॉपी है और उस तर्ज में बसा हुआ शहर है। और ये जो आप पुल देख रहे हो, आपको किसी भी दृष्टि से मतलब ये कई कमी नहीं लगेगी आपको। जो अभी आप जो देखो कुछ नयापन आपको दिख रहा है सामने, जो ड्राइंग्स और ये बनी हुई है, ये एक नवाचार किया गया है। पहले हेरिटेज दीवारें बनी हुई थी, सिंपल थी, कुछ असामाजिक तत्वों ने उनको रंग रोगन को ख़राब कर रखा था। तो अभी G20 करके एक सम्मेलन हो रहा है, शेरपा सम्मेलन, उसको देखते हुए जो विदेशी पर्यटक और ये जो लोग आते हैं उदयपुर शहर की क्या पहचान लेके जाएंगे, उस पहचान को कायम करने के लिए, उदयपुर की खूबसूरती को कायम करने के लिए हमारे प्रशासन ने, राजस्थान सरकार ने और सबने मिलके कुछ अच्छी कलात्मक जो राजस्थान हेरिटेज जो बोलता है, जो राजस्थान की लुकिंग है जिससे राजस्थान पहचाना जाता है, उस चीज़ को, उस थीम को लेकर पूरे शहर को सजाया जा रहा है। उसमें घाट को मैंने भी आज ही देखा है, वास्तव में बहुत बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। और मैं निश्चित रूप से कह सकता हूँ कि सबको देखना चाहिए। तो रही बात पेंटिंग बनाने वाले ने बना ली, अब हम सबकी जिम्मेदारी है कि इसको कायम रखें। यदि यह पेंटिंग हम कायम रखते हैं तो ये खूबसूरती कायम रहेगी। हमें इसको मेंटेन करना है। जो असामाजिक तत्व जिनकी फितरत होती है किसी अच्छे को बुरा बताना या उसको गंदगी फैलाना, मेरा असामाजिक तत्वों से हाथ जोड़ के निवेदन है इस खूबसूरती को कायम रख लें। आप अपना घर समझें, ये उदयपुर है, आपका घर है, परिवार है, इसकी खूबसूरती आपकी खूबसूरती है। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे गिरीश भारती जी, वार्ड नंबर 10 क्षेत्रीय पार्षद साहब, जो हमारे बीच में आए और उदयपुर की खूबसूरती के ऊपर इन्होंने, आपने बहुत अंदर सुंदर विचार रखे हैं। आप देखें कि ये सामने जो पुल दिखाई दे रहा है, इस पुल के बारे में ज़रूर बताएं आप, क्योंकि ये पुल बिना किसी सीमेंट का है। देखिए ये पुल वास्तव में आप देखा जाए तो आप जो मेरे राइट हैंड साइड की तरफ जो एरिया देखे, ये पूरे टापू है। ये तीन पुलों से घिरा हुआ और तीन दरवाजों से घिरा हुआ पूरा टापू है। यदि आपको इस टापू पे जाना होता था आज से 100-150-200 साल पहले, या तो नदी पार करके, झील पार करके जाओ, या फिर ये पुल था जो तीन जो है दरवाजे आते थे, यहाँ पे चांद पोल है, उधर ब्रह्म पोल है और एक अम्बा पोल है। इन तीनों पोलों में से होके या इनके पुल से होके ही आप इस टापू नुमा जगह पे जा सकते हो। ये बहुत ऐतिहासिक महत्व की चीज़ है। और उसके बाद इससे अधिक महत्व यहाँ का धार्मिक है। यदि आपको किसी एरिया में सबसे ज़्यादा मंदिर मिलेंगे तो आपको इस टापू में मिलेंगे। जितने भी दरबार के टाइम में कर्मकांडी लोग जो होते थे, ब्राह्मण लोग होते थे, उनके रहने के लिए अच्छी जगह थी, सात्विक जगह थी, पारिवारिक जगह थी, और कहते ना कर्म भूमि के लिए बहुत अच्छी जगह थी। तो अब बात करते हैं उनकी, इसको चांदपुर पुलिया के नाम से पहचाना जाता है। ये बहुत पुराना ऐतिहासिक पुल है, बिल्कुल हेरिटेज पुल है। इसका समय पर समझ लीजिए और इसी के पैरेलल लोगों के आवागमन की सुविधा को देखते हुए आप मेरे सामने देखते हैं,
छोटा पहले नगर निगम ने बनाया था वो पुल एक पैदल पुल है और जो अभी ट्रैफिक और बढ़ गया है इसको देखते हुए विशेष रूप से शहर में इसकी हेरिटेज को देखते हुए और वैकल्पिक मार्ग की व्यवस्था होनी चाहिए ताकि टूरिस्ट के हिसाब से घूमे जो लोकल लाइफ है जो लोकल लोग जो रहते हैं उनकी जरूरतमंद की लाइफ जिंदगी होती है उनको हॉस्पिटल जाना पड़ता है स्कूल जाना पड़ता है तो उनके लिए भी एक वैकल्पिक मार्ग होना चाहिए जिससे वो अपने आम जिंदगी को चला सके और टूरिस्ट के हिसाब से घूम सके। ये नहीं टूरिस्ट उदयपुर शहर को निहार और पीछे से उसके पीछे कोई हॉर्न बजा रहा है तो एक गलत इफेक्ट जाता है। इसके लिए भी सोचना चाहिए। हम कुछ नगर निगम के पार्षद हैं हराबारी नैतिक जाए तो हमने बहुत से ऐसी चीज़ें कही है कि टूरिस्ट को टूरिस्ट के हिसाब से यहाँ घूमने दो इसकी मौज मस्ती करने दो वो शहर को वो नहीं बिगाड़ के जाएगा उस शहर को कुछ कुछ देखे जाएगा बिल्कुल और इसकी अच्छी इमेज लेके जाएगा। तो आप इसको शहर को खूबसूरत बनाएं सब लोग सहयोग करें और जो लोकल लोग हैं मैं फिर कहना चाह रहा हूँ इस चीज़ को आप समझे मैं यहाँ लोकल निवासी हूँ यहाँ मेरा भी मकान है आज मुझे यदि हॉस्पिटल जाना है मैं और टूरिस्ट आपस में बीच में फंस गए तो हम आपस में झगड़ेंगे और कोई रास्ता नहीं है। हॉस्पिटल है आवश्यक है रोजमर्रा की जिंदगी है इसके लिए वैकल्पिक मार्ग निकालना चाहिए इसके लिए नगर निगम और जिला प्रशासन को कोई कोई रास्ता देखना चाहिए ताकि आम जन को सुविधा मिले टूरिस्ट आराम से घूमे फिरे ना तो टूरिस्ट को परेशानी हो और नहीं आम जन को। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे बीच में आए हमारे चैनल पे आके आपने बहुत ही अच्छे सुंदर विचार किए हैं और अभी स्मार्ट सिटी का जगह जगह कार्यक्रम काम चल रहा है जिस वजह से थोड़ा सा यातायात प्रभावित हो रहा है और देखेंगे उदयपुर की खूबसूरती लाइटें जलने के बाद यहाँ की क्या गजब शाम को आप देखेंगे तो ऐसा लगेगा जैसे दिवाली का रोज हम दिवाली देखते हैं रोज दिवाली देख सकते हैं यहाँ झील पे जब आते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। एक ज़माना था जब यहाँ मल्ला नाव चलाया करते थे। जी हाँ ये मल्ला संप्रदाय कहाँ गए वो मल्ला और देखो समय के कमियों के साथ बहुत सी चीज़ें परिवर्तन है। मल्ला के लिए जो नाव चलाने वाली संप्रदाय जो कम्युनिटी होती है वो मल्ला होते लोग और ये खासतौर से यूपी और उस साइड से आए हुए थे और यही लोग आगे एक तालीम की मदद लेते हैं उनका काम था बोट से आवागमन करना और लोगों को सुविधा प्रदान करना। तो वो लोग जब से ये मशीन चलित बोटें आ गई है उसके बाद उनका काम खत्म हो गया और उन्होंने दूसरे व्यवसाय में जाकर अपना दूसरा पेपर कार्य छोड़ के दूसरे कार्य में लगे इसलिए मल्ला संप्रदाय खत्म हो गया। आज भी उसको मल्ला तलाई कहा जाता है निश्चित रूप से मल्ला तलाई थी और सबसे बड़ी बात यदि आप देखे जाए तो ये पूरा उदयपुर शहर अरावली पर्वतमालाओं के बीच में बसा हुआ है उन्हीं पहाड़ों की छोटी मोटी घाटी में तलाई हुआ करती थी जिसमें सदनगढ़ के बाद का वो बहुत बड़ा एरिया था उसको मिट्टी से पाट के और वहाँ पे यूआईटी ने दुकानें वकानें बना दी और उस तलाई को भी नष्ट कर दिया। हमने तो वहाँ देखा हुआ है छोटा सा पोखर टाइप था लोग नहाते थे मछलियाँ थी और वो मल्ला अपनी नावें निकाल के जब अतिवृष्टि ऐसा कुछ होता सेफ साइड के रूप में वहाँ रखते थे। ये उदयपुर की कुछ खास बातें हैं जो शायद आपने अनसुनी होगी आज सुनने का मौका मिला है। आइए सब मिलके इस उदयपुर को खूबसूरत बनाएं और बार बार हम आपसे अपील करते हैं चैनल के माध्यम से कि इसकी खूबसूरती न बिगाड़ें इसके खूबसूरती में चार चांद लगाएं। अगर आपके आसपास में गंदे नाले बह रहे हैं तो उसको तुरंत बंद करें और उनका रुख बदलें। ये झील हमारी लाइफ लाइन है जीने का संसाधन है और इसका पानी अगर दूषित होता है तो हमारा जीवन भी दूषित होगा। क्या लग रहा है आपको? जी बिल्कुल कहीं ना कहीं वो गंदगी आपके शरीर में और आपकी आत्मा में आएगी। बिल्कुल आप ये ना सोचो कि आपकी फेंकी हुई गंदगी आपको नहीं मिलेगी किसी न किसी रूप में आपको मिलेगी। कुछ नहीं होगा तो आपके शहर की इमेज खराब होगी उससे भी आप इफेक्टेड होंगे। इसलिए शहर को स्वच्छ रखें स्वस्थ रखें अच्छा खाओ अच्छा पियो स्वस्थ रहो प्रसन्न रहो। और उदयपुर झीलों की नगरी है मेवाड़ के नाम से मशहूर है महाराणा प्रताप की जन्मभूमि है मीरा की भक्ति मेवाड़ की शक्ति एक बहुत बड़ा इतिहास है यहाँ का जिसे हमें मेनटेन करना चाहिए। और विश्व पटल पर जो बहुत जल्दी हमारे उदयपुर शहर का नाम होगा उसकी खूबसूरती को हमें कायम रखना अब हमारा दायित्व है प्रशासन ने बना के दे दिया है इसको हमें मेनटेन रखना चाहिए। और जो लोग इस वक्त खराब कर रहे हैं उनके ऊपर भी कड़ी नज़र रखते हो उनको आप दोषी करार करिए उनको दोष दीजिए पुलिस में रिपोर्ट दीजिए प्रशासन में दीजिए साहब ये लोग इसकी शहर की खूबसूरती खराब करें उसके ऊपर जुर्माने का प्रावधान है सजा का प्रावधान है। बहुत बहुत धन्यवाद बहुत बहुत शुक्रिया फिर मिलेंगे नए स्टोरी में नए जोश के साथ। देखते रहे चैनल को अगर आपको अगर ये खबर अच्छी लगी है तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले। जय हिंद जय भारत।